सोएज बता दूं कि जैसे ही 3.4 वर्जन का अपडेट आ जाएगा उसके साथ ही गए जहां पे बता दूं कि BGMI और साथ में पबजी मोबाइल के अंदर ऐसा गए जहां पे 10 चेंजेस होने वाला है जो कि 100% कंफर्म है कि दोनों के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो उसी को लेकर इस वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में बात करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और साथ में चैनल में पहली बार आए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले गए जहां पे क्लासिक आप लोग का चेंजेस के बारे में बात करूं तो देख सकते हो गाइस यहां पे एक होवरक्राफ्ट करके है, यहां पे न्यू व्हीकल है जो कि गेम के अंदर ऐड होने वाला है, जो कि गाइस बता दूं कि बस इरेंगल में ही यहां पे आप लोग का ऐड होगा। और इसका खासियत ये रहेगा गाइस कि इसको आप लोग पानी में भी गाइस यहां पे यूज कर सकते हो और दूसरा गाइस यहां पे आप लोग इसको जमीन में भी यहां पे यूज कर सकते हो, तो ये आप लोग का एडवांटेज रहेगा जिसको गाइस यहां पे दोनों जगह पे आप लोग यूज कर सकते हो। दूसरा गाइस यहां पे देख सकते हो एक MP7 करके है जहां पे गन आने वाला है, जिसका खासियत ये रहेगा गाइस कि इसको आप लोग गाइस यहां पे देख सकते हो दोनों हाथ से गाइस यहां पे यूज कर पाएगा, यानी कि दोनों हाथ में गाइस यहां पे एक-एक आप लोग का गन रहेगा। तो ये गाइस यहां पे एक न्यू टाइप का गन है जो कि आप लोग को 3.4 वर्जन का अपडेट के अंदर देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा गाइस यहां पे नेक्स्ट बात करो तो जैसा कि पता हुआ कि अभी वाला जो थीम मोड था उसमें गाइस यहां पे देख सकते हो एक सेल्फ रिवाइव किट था, जो कि गाइस बता दूं कि अब आप लोग को नॉर्मल गए जहां पे जो क्लासिक मोड रहता है उसके अंदर में भी यहां पे देखने को मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं गए जहां पे बोल सकते हो कि इससे गए जहां पे गेम के अंदर में काफी बड़ा गए जहां पे इंपैक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि इससे क्या हुआ कि आप लोग खुद को गए जहां पे रिवाइव कर सकते हो। इसके अलावा गए जहां पे नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करूं तो देख सकते हो गए अभी तक क्या हो रहा था कि जो आप लोग का यहां पे व्हीकल रहता था उसमें गए जहां पे पीछे में आप लोग बैठ नहीं सकते थे, तो अब गए जहां पे डायगोनली गए जहां पे आप लोग चाहो तो यहां पे जो व्हीकल रहता है इसमें पीछे में भी बैठ पाइएगा, तो ये न्यू चेंजेस है। बाकी इसके अलावा जहां पे नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट गए जहां पे देख सकते हो आप लोग का क्या होगा इसके यहां पे स्क्रीन इफेक्ट है, जो कि है जहां पे जैसे आप लोग यहां पे जो व्हीकल को यहां पे स्पीड कीजिएगा तो पीछे में गए जहां पे ये देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जहां पे नेक्स्ट चेंजेस के बारे में बात करूं तो देख सकते हो यहां पे जो वाव मोड है इसके अंदर में अब क्या होगा कि आप लोग को यहां पे एक न्यू टाइप का सीजन है जो कि यहां पे स्टार्ट होगा, जिसका नाम गए जहां पे देख सकते हो वांडर सीजन 1 करके यहां पे रखा गया, यानी कि वाव मोड का गाइस यहां पे सीजन स्टार्ट होगा। और इसके अंदर में गाइस यहां पे बता दूं कि काफी सारे रिवार्ड्स है जो कि आप लोग को मिलेगा अगर गाइस यहां पे धीरे-धीरे करके आप लोग यहां पे मिशंस वगैरह कंप्लीट करते जाइएगा, तो जिसमें गए यहाँ पे देख सकते हो स्टार्टिंग होगा आप लोग का ग्रे से, उसके बाद में गए जहाँ पे जैसे ही 400 पॉइंट यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा तो देख सकते हो गए जहाँ पे इमराल्ड में गए जहाँ पे आप लोग का यहाँ पे टीयर बढ़ जाएगा जिसमें एजी करेंसी आप लोग को मिल जाएगा। उसके अलावा जहाँ पे जैसे ही आप लोग देख सकते हो गए जहाँ पे 900 पॉइंट कर लीजिएगा तो आप लोग को गए जहाँ पे एक टीयर और बढ़ जाएगा और यहाँ पे आप लोगों के हेडगियर मिल जाएगा। फिर गए जहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो 1500 में गए जहाँ पे एक अवतार आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा, जो कि गए जहाँ पे आप लोग देख सकते हो। उसके लोग गाइस यहां पे नेक्स्ट बात करूं तो नेक्स्ट गाइस यहां पे देख सकते हो जैसे ही आप लोग 2200 पॉइंट कर लीजिएगा तो आप लोग को गाइस यहां पे एक आउटफिट मिल जाएगा, हालांकि ये आउटफिट काफी ओल्ड है, यहां पे कुछ न्यू आउटफिट मिलता तो काफी ज्यादा सही रहता। और लास्ट गाइस यहां पे देख सकते हो जैसे ही 3000 पॉइंट आप लोग कर लीजिएगा तो आप लोग को गाइस यहां पे एक अवतार फ्रेम है जो कि गाइस यहां पे वांडर सीजन 1 का आप लोग का परमानेंट के लिए यहां पे मिल जाएगा। और आप लोग गाइस यहां पे गोल्ड एक्सप्लोरर यहां पे कर लेते हो तो ये हो गया गाइस यहां पे आप लोग का न्यू सीजन जो कि वाव मोड के अंदर देखने को जाएगा। और इसी के अंदर में गए जहां पे देख सकते हो कुछ मिशंस रहेगा जिसको आप लोगों को यहां पे कंप्लीट करते जाना पड़ेगा, और जैसे से यहां पे कंप्लीट करते जाएगा वैसे से करके है जहां पे जो रिवार्ड्स है वो आप लोग को है जहां पे मिलते जाएगा। और क्योंकि है जहां पे न्यू आप लोग का यहां पे वाव मोड का सीजन आ रहा है तो इसी कारण से गए जहां पे देख सकते हो जो आप लोग का मेल बॉक्स रहता है उसके अंदर में गए अब आप लोग को वाव का भी गए जहां पे जैसे ही सीजन रिसेट होगा तो यहां पे आप लोग काफी सारी चीजें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जहां पे नेक्स्ट बात करूं तो देख सकते हो गए जहां पे जो अवतार आप लोग का फ्रेम है। अब उसमें क्या होगा कि आप लोग है जहां पे इसको फिल्टर कर सकते हो, यानी कि है जहां पे कौन सा ईयर का है जहां पे अवतार फ्रेम आप लोग को लगाना है इसको आप लोग है जहां पे फिल्टर कर सकते हो। और साथ में गए जहां पे क्वालिटी, यानी कि है जहां पे लेजेंडरी, मिथिक या फिर अल्टीमेट या फिर गए जहां पे कौन सा आप लोग को क्वालिटी में यहां पे लगाना है वो चीज का भी गए जहां पे देख सकते हो फिल्टर करने का ऑप्शन आ चुका है। लेकिन ध्यान रखिए कि ये चीज अभी फिलहाल के लिए बस जो अवतार फ्रेम है उसी में गए जहां पे आप लोग को देखने को मिलेगा,
जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को 2018 से लेकर 2025 तक का यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, जिसमें गए यहाँ पे मान लीजिए कि मैं 2018 कर दिया और देख सकते हो गए यहाँ पे एक में मिथिक में यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि 2018 में गए जहाँ पे अवतार फ्रेम में जितना भी गए जहाँ पे देख सकते हो मिथिक वाला आया होगा वो सारा गए जहाँ पे फिल्टर होके आ जाएगा। और इससे क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पे पता चलेगा कि हाँ ये गए जहाँ पे जो अवतार फ्रेम है ये आप लोग का इस ईयर में आया था, और इससे कहीं ना कहीं गए जहाँ पे थोड़ा बहुत आप लोग का हेल्प हो जाएगा कि एग्जैक्टली गए जहाँ पे कौन सा ईयर का गए जहाँ पे ये अवतार फ्रेम में पहले आप लोग को पता नहीं चलता था, लेकिन अब गए जहाँ पे क्या हुआ कि एग्जैक्टली आप लोग को पता चलेगा कि कौन सा ईयर का गए जहाँ पे कौन सा अवतार फ्रेम है। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से गए जहाँ पे बाकी जो अदर आप लोग कस्टम के अंदर है उसके अंदर में भी गए जहाँ पे ऐड कर देना चाहिए था, जिससे गए जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सही रहता। अभी फिलहाल के लिए गए जहाँ पे बस अवतार फ्रेम के अंदर ये फिल्टर वाला ऑप्शन ऐड कर दिया गया, जिससे गए जहाँ पे आप लोग अपने हिसाब से इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो और चेक भी कर सकते हो। बाकी इसके लोग जहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो नेक्स्ट गए जहाँ पे देख सकते हो जो आप लोग का कैजुअल सीजन है इसका गए जहाँ पे जो रिवार्ड है ये फाइनली गए अब आप लोग का रिवील कर दिया गया। तो आइए गए जहाँ पे इसका एक एक करके आप लोग को रिवार्ड दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले गए जहाँ पे देख सकते हो जो कैजुअल ब्रॉन्ज है इसमें गए जहाँ पे आप लोग को एक सप्लाई क्रेडिट कूपन मिल जाएगा, सिल्वर में गए जहाँ पे देख सकते हो आप लोग को एक क्लासिक रेट कूपन मिल जाएगा, गोल्ड टियर में गए जहाँ पे एक आउटफिट मिलेगा जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पे रिवील नहीं किया गया कि एग्जैक्टली गए जहाँ पे कौन सा आप लोग को आउटफिट यहाँ पे मिलेगा, और इसके लिए गए जहाँ पे 1000 पॉइंट करना पड़ेगा। फिर गए जहाँ पे प्लेटिनम के लिए देख सकते हो 2000 पॉइंट करना पड़ेगा, और उसमें गए जहाँ पे एक सन ग्लासेस का स्किन मिल जाएगा। उसके लिए गए जहाँ पे कैजुअल डायमंड में देख सकते हो गए जहाँ पे एक एसकेएस का आप लोग को गन का स्किन मिलेगा जो कि फिलहाल के लिए यहाँ पे रिवील नहीं किया गया। इसके लिए गए जहाँ पे देख सकते हो कैजुअल क्राउन टियर है जिसके लिए गए जहाँ पे देख सकते हो आप लोग को टोटल मिला के 5000 पॉइंट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एक मास्क और साथ में गए जहाँ पे देख सकते हो एक एक्सपी पॉइंट है जो कि 1200 मिल रहा है। अभी ये एक्सपी पॉइंट क्या होता है ये अभी जस्ट मैं इसी वीडियो में आगे आप लोग बताऊंगा। इसके लिए गए जहाँ पे नेक्स्ट बात करूँ तो देख सकते हो कैजुअल एस है जहाँ पे आप लोग का हेडगेयर, और साथ में 1500 गए जहाँ पे एक्सपी पॉइंट आप लोग को मिल जाएगा, और लास्ट में गए जहाँ पे देख सकते हो एक मल्टी एस है जहाँ पे क्या हुआ कि जो नॉर्मल आप लोग का क्लासिक मोड रहता है और साथ में कैजुअल रहता है दोनों में अगर आप लोग एस टियर पहुंच जाते हो तो अब आप लोग को यहाँ पे जो कॉन्करर का अवतार फ्रेम है ये 100% कंफर्म है कि आप सभी लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये एक चीज गाइस मैं बोलूंगा कि काफी ज्यादा सही कर दिया गया। बाकी अब गाइस यहाँ पे बात करते हैं कि जो एक्सपी पॉइंट मैंने आप लोग बताया उसको आप लोग कहाँ पे यूज कर सकते हो, तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे ये कैजुअल सीजन दिख रहा होगा तो इसी के अंदर में गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे रिवार्ड है, जैसे कि जो आप लोग का अरीना मोड के अंदर जो इफेक्ट है वो गाइस यहाँ पे इसी के अंदर में 3000 आप लोग को एक्सपी पॉइंट पे मिल रहा है। तो यही गाइस यहाँ पे जो एक्सपी पॉइंट रहेगा इससे आप लोग इसी के अंदर से जितने भी रिवार्ड आप लोग दिख रहे हैं इसको आप लोग अपने हिसाब से गाइस यहाँ पे रिडीम कर पाइएगा। इसी में गए जहाँ पे नीचे में भी देख सकते हो रेटिंग प्रोटेक्शन कार्ड है जो कि है जहाँ पे एक सेकंड के अंदर आप लोग 5 रिडीम कर सकते हो। उसके अलावा जहाँ पे देख सकते हो इलाइट होम कॉइन है, या फिर गए जहाँ पे एजी करेंसी है जो कि 250 यानी कि 250 एजी करेंसी आप लोग चाहो तो इसके अंदर से भी यहाँ पे रिडीम कर पाएगा। लेकिन इसके लिए गए जहाँ पे कंडीशन है कि मिनिमम आप लोग का प्लेटिनम यहाँ पे कैजुअल प्लेटिनम यहाँ पे आप लोग को टियर तक पहुँचना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि एक एक करके पूरा डिटेल में मैंने गए जहाँ पे आप लोग का जो मेन यहाँ पे चेंजेस होने वाला है जो कि कंफर्म है गाइस कि BGMI और PUBG माल दोनों के अंदर में देखने को मिलेगा वो मैंने गए जहाँ पे एक एक करके पूरा डिटेल में बता दिया। बाकी आप लोग गए जहाँ पे कमेंट बताया कि इसमें से सबसे बेस्ट गए जहाँ पे चेंजेस आप लोग को कौन सा लगा। बाकी इसके अलावा जहाँ पे कुछ भी डाउट रह गया हुआ तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप चैनल में पहली बार जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।